वन डे अर्ली इन द मॉर्निंग, एक दिन सुबह सुबह क्या होता है, ग्रैंड मदर डिक्लेयर्ड इन हर प्रोफेटिक मैनर दैट देर इज नो साइन ऑफ द कुक एक्सेप्ट हिज क्लोथ्स एंड शूज। एक बार सुबह सुबह ग्रैंड मदर ये बड़े ही गुस्से में और निराशा के साथ में सभी को बताती है कि उनका जो कुक था महमूद, उसका कुछ भी पता नहीं होता है, सिर्फ उसके क्लोथ्स और शूज़ वहाँ पे होते हैं, महमूद कहीं भी दिखाई नहीं देता है। शी सस्पेक्टेड दैट द कुक हैज़ बिकम अ प्रे फॉर द टाइगर। उसे ऐसा लगता है कि टिमोथी ने महमूद का शिकार कर लिया है, प्रे मतलब शिकार, टिमोथी ने महमूद को अपना शिकार बना लिया है, ऐसा ग्रैंड मदर को लगता है और वो सभी को बताती भी है। ऑफकोर्स इट नेवर हैपन्ड, ज़रूर ऐसा नहीं हुआ होगा, क्योंकि हमने प्रीवियसली चैप्टर में पढ़ा है कि टिमोथी एक फ्रेंडली टाइगर था। द कुक हैड फ्लेड द हाउस बिकॉज ऑफ द फियर ऑफ टिमोथी ईटिंग हिम। कुक ने खुद ही अपना घर छोड़ दिया था, वो ग्रैंडफादर का घर छोड़कर भाग गया था, क्योंकि उसे टिमोथी के खाने का डर था, उसे यह डर था कि टिमोथी कहीं उसे न खा जाए, कहीं उसे अपना शिकार न बना ले। बट टिमोथी वॉज स्टीडली बिकमिंग लेस फ्रेंडली, धीरे धीरे टिमोथी भी अब लेस फ्रेंडली मतलब के थोड़ा उसका दोस्ताना व्यवहार कम होने लगा था। वेन आउट फॉर अ वॉक विथ मी, जब भी वो नैरेटर के साथ में वॉक पे जाता था, ही वुड ट्राई टू स्टील अवे टू स्टॉक अ रॉट और समवन्स पैट पैकिनीज। टिमोथी अब वॉक पे जाते समय वो स्टॉक मतलब दूसरे जानवरों पे झपट्टा मारना है ना, दूसरे जानवरों की तरफ भागना, उन्हें चेस करना और दूसरे पैट्स को पकड़ना, उनकी तरफ झपट्टा मारना, ये सब हरकतें करने लगा था। समटाइम्स एट नाइट वी वुड हियर फ्रेंजाइड क्रैकलिंग फ्रॉम द पोल्ट्री हाउस एंड इन द मॉर्निंग वी फाउंड फैदर्स लाइंग ऑल ओवर द वेरेंडा। अब कभी कभी रात में क्या होता था कि पोल्ट्री हाउस से, ग्रैंडफादर का पोल्ट्री हाउस था, वहाँ से कुछ आवाज़ें, उन्हें मुर्गियों के चिल्लाने की, चीखने की आवाज़ें आती थी, और मॉर्निंग में जब वे देखते थे तो उन्हें वेरेंडा में, बरामदे में उनके फैदर्स मतलब पंख वहाँ पर पड़े हुए मिलते थे। टिमोथी हैड टू बी चेंड अप मोर ऑफन, धीरे धीरे अब टिमोथी को भी चेंड अप करना ज़रूरी हो गया था। एंड फाइनली व्हेन ही बिगन टू स्टॉक पीपल इन द हाउस विथ व्हाट लुक्ड लाइक विलेनस इंटेंट, धीरे धीरे अब टिमोथी जो लोग कुछ डरावने से लगते हैं, थोड़ा अजीब लगते हैं, तो टिमोथी उन पे भी स्टॉक करना मतलब उनकी तरफ झपटना उसने जब शुरू कर दिया, तो ग्रैंडफादर डिसाइडेड इट वॉज टाइम टू ट्रांसफ़र हिम टू अ जू। तभी ग्रैंडफादर ने डिसाइड किया कि अब टिमोथी को जू में ट्रांसफ़र करने का समय आ गया। द नियरेस्ट जू वॉज एट लखनऊ, वहाँ ग्रैंडफादर के वहाँ से देहरा से पास में जू लखनऊ के अंदर था, 200 miles अवे, वो वहाँ से 200 miles की डिस्टेंस पे था। ग्रैंडफादर रिजर्व्ड अ फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट फॉर हिमसेल्फ एंड टिमोथी एज नो वन वुड शेयर अ कंपार्टमेंट विथ टिमोथी। ग्रैंडफादर ने अपने लिए कंपार्टमेंट पूरा बुक कर लिया फर्स्ट क्लास का, और साथ में एक सीट टिमोथी के लिए भी रिजर्व करी, क्योंकि टिमोथी के साथ में कोई भी कंपार्टमेंट शेयर नहीं करना चाह रहा था। एंड टुक हिम टू लखनऊ वेयर द जू अथॉरिटीज़ वर टू ग्लैड टू रिसीव एज अ गिफ्ट अ वेल फेड एंड फेयरली सिविलाइज्ड टाइगर। अब ग्रैंडफादर उसे लखनऊ लेके जाते हैं, जहाँ पे जू की जो अथॉरिटी होती है, जू के मैनेजमेंट वाले होते हैं, जू मैनेजमेंट के जो लोग होते हैं, वो उसे बड़े ही खुशी के साथ में टिमोथी को रिसीव करते हैं अपने जू में, वो उसका वेलकम करते हैं, क्योंकि टिमोथी एक वेल फेड मतलब कि अच्छा सा खाता पीता टाइगर था, और वो फेयरली सिविलाइज्ड था मतलब वो लोगों के बीच में रहने वाला टाइगर था, वो लोगों के बीच में बचपन से ही रह रहा था। अबाउट 6 months लेटर, 6 महीने के बाद में, वेन माई ग्रैंड फादर ग्रैंड पेरेंट्स वेंट टू विजिट रिलेटिव इन
लखनऊ ग्रैंडफादर टुक द अपॉर्चुनिटी ऑफ कॉलिंग एट द ज़ू टू सी हाउ टिमोथी वॉज गेटिंग ऑन। अब जब ग्रैंड पेरेंट्स मतलब के नैरेटर के दादा और दादी जी जब रिश्तेदारों से मिलने लखनऊ जाते हैं तो वो टिमोथी को देखने की अपॉर्चुनिटी उन्हें तब मिलती है कि टिमोथी कैसा है, किस हाल में है, तो वे उससे मिलने जाते हैं। आई वॉज नॉट देयर टू एकम्पनी हिम। नैरेटर उसके ग्रैंड पेरेंट्स के साथ में नहीं होता है। बट आई हर्ड ऑल अबाउट इट व्हेन ही रिटर्न टू देहरा। जब वे देहरा वापस आते हैं तो ग्रैंड पेरेंट्स उसको सारी स्टोरी बताते हैं नैरेटर को। ऑन अराइविंग एट द ज़ू, जब ये ज़ू में जाते हैं तो ग्रैंड फादर वेंट स्ट्रेट फॉर द कैच इन विच टिमोथी हैड बीन इंटर्न। जहाँ पे उन्होंने टिमोथी को जिस केज में, जिस पिंजरे में रखा था, ग्रैंड फादर जैसे ही ज़ू में इंटर होते हैं सीधे वहाँ पर सीधे वे उसी पिंजरे के वहाँ पे जाते हैं जहाँ पे उन्होंने पहले टिमोथी को छोड़ा था। टाइगर वॉज देयर क्रॉस्ड इन अ कॉर्नर। वहाँ पे पिंजरे में एक टाइगर कोने में बैठा हुआ था, फुल ग्रोन, वो बहुत ही फुल साइज में था, बड़ा था, विथ अ मैग्निफिसेंट स्ट्रिप्ड कोट। और उसका जो कोटिंग था वो टाइगर का जैसा कोट होता है उसी टाइप से उसकी खाल भी थी। हेलो टिमोथी, सेड ग्रैंडफादर। ग्रैंडफादर टिमोथी को बोलते हैं, हाय बोलते हैं, ठीक है। क्लाइंबिंग ऑन द रेलिंग विथ एज ही पुट हिज आर्म थ्रू द बार्स ऑफ द केज। ग्रैंडफादर उस केज के पास में चले जाते हैं और उसकी जो बार्स होती है मतलब उसकी जो सलाखें होती हैं वे अपना हाथ वहाँ पर रख देते हैं पिंजरे की सलाखों पर। द टाइगर अप्रोच द बार्स। टाइगर भी अब बार्स के यानी कि सलाखों के पास में आता है। अलाउड ग्रैंडफादर टू पुट बोथ हैंड्स अराउंड हिज हेड। और ग्रैंडफादर को वो अपने दोनों हाथ उसके सिर पर रखने देता है। ग्रैंडफादर स्ट्रोक्ड द टाइगर्स फॉरहेड। ग्रैंडफादर अब टिमोथी के सिर पर हाथ रखते हैं, उसे उसके सिर पे हाथ रखकर उसे सहलाने लगते हैं। टिकल्ड हिज ईयर्स, उसके कानों के वहाँ पे भी वो गुदगुदी करते हैं, हाथ फेरते हैं। व्हेन एवर ही ग्रोल्ड स्मैक्ड हिम अक्रॉस द माउथ, और वो उनका हाथ मुंह से हटाने की कोशिश करता है। दिस वॉज इज ओल्ड वे टू कीपिंग द टाइगर क्वाइट। लेकिन वे जब भी टिमोथी उनका हाथ हटाने की कोशिश करता है तो ग्रैंडफादर उसके सिर पे हाथ फेरते हैं, उसके कानों के पीछे हाथ फेरते हैं। ये उनका पुराना तरीका था। टाइगर लीक्ड ग्रैंडफादर्स हैंड। टाइगर ग्रैंडफादर का हैंड लीक करता है, ये आप देख सकते हैं। वो टिमोथी ग्रैंडफादर का हाथ लीक कर रहा है मतलब चाट रहा है। स्प्रैंग अवे व्हेन अ लीपर्ड इन द नेक्स्ट केज स्नार्ल्ड एट हिम। लेकिन टिमोथी थोड़ा सा डर जाता है, घबरा जाता है जब भी उनके उस टिमोथी के पास वाला जो एक केज था उसमें से जो लीपर्ड, उसके पास में एक लीपर्ड रहता था, एक लीपर्ड था, वो जब भी दहाड़ता था तो उसकी स्नॉर्लिंग से डर सा जाता था। ग्रैंडफादर शूट द लीपर्ड अवे। ग्रैंडफादर अब उस लीपर्ड को वहाँ से पीछे की तरफ थोड़ा भगा देते हैं उसके केज के अंदर। द टाइगर रिटर्न टू लीक हिज हैंड। फिर से टिमोथी उनका हाथ हैंड्स लीक करने लगता है इस टाइप से। बट एवरी नाउ एंड देन द लीपर्ड वुड रश एट द बार्स एंड द टाइगर वुड स्लिंक बैक टू द कॉर्नर। लेकिन जब भी लीपर्ड फिर से बार्स के यहाँ पे आगे की तरफ आता है और फिर से वो जब दहाड़ता है तो टिमोथी डरकर कोने में जाके बैठ जाता है अपनी केज में।